नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में दोस्त ने घर से बुलाकर दोस्त को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। श्रावणी मेला की तैयारी का प्रमंडलीय आयुक्त ने की समीक्षा, कहा समय से पूर्व पूरा करे कार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई। खगड़िया में लड़कियों के शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल, शराबबंदी कानून पर उठ रहे हैं सवाल। झारखंड सरकार ने भाजपा विधायक के आवास पर चलाया बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। और बांका में हुए सड़क हादसे में एनसीसी छात्र की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर काली मंदिर के समीप दोस्तों ने ही विजय यादव के बेटे इंटर के छात्र सागर यादव को घर से बुलाकर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आनन फानन में घायल सागर को इलाज के लिए माइगन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही सिटी SP शुभम आर्य दलवल के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी मृतक के परिजनों से ली। इस दौरान सागर के परिजनों ने उसके दोस्तों पर ही हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सागर के कई दोस्त से पहले ही झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उसकी हत्या घर के पास ही गोली मार कर दी गई। मृतक के भाई और प्रत्यक्षदर्शी मुकेश ने बताया कि सागर यादव को बगल के ही अजय मंडल के पुत्र पुतुल ने गोली मारी है, जबकि आरोपियों ने उससे भी गोली मारने की धमकी दी है। इधर मामले को लेकर सिटी SP शुभम आर्य ने बताया कि घटना में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो की करबे, सीधा ऐसे गट्टा पकड़ के कट्टा तान दिया, तो पहले मेरे पर चलाया तो हम ऊपर फायरिंग कर दिए, तो वो जैसे सटा उस पे सीना पे गोली चला दिया। कौन चलाया गोली? कौन को गोली चलाया? पितुल नाम की तरह पितुल बार भाई पितुल कुमार। कहां गए पितुल कुमार? अजय मंडल का बेटा। कहां गए अजय मंडल? ये महेशपुर का खालिस्तान का महेशपुर। हां कौन था? हां और कौन था? चार आदमी, तीन आदमी था। सबरा नाम बता नहीं। तीन, एक था। नाम खोल के ना बता रहे हैं। खोल नाम बता, खोल के एक था अंजेश कुमार, एक था पितुल, और तीसरा नाम अरविंद कुमार, अरविंद यादव। आज दिनांक 22 तारीख को लगभग 11 बजे ये सूचना मिली है कि एक लड़के को, जिसकी उम्र करीब सागर यादव इसका नाम बताया जाता है और उम्र करीब 17 वर्ष है, इसको गोली मारी गई है। गोली मारने में एक ही गोली मारने का अभी तक पुष्टि हुई है, जिसमें 5 लोगों का अभी नाम सामने आ रहा है और उसमें आगे की जांच जारी है। मामले की जांच अभी करके हम पता लगा पाएंगे कि क्या ये पहले के अपराधी हैं या फिर इनमें कोई फर्स्ट टाइम इन्होंने ऐसे काम किया है, तो किस तरह के अपराधी हैं, और अगर कोई और ऐसा आता है कि कोई षड्यंत्र के तहत ये ऐसे बहुत ही नामित अपराधी हैं, बहुत ही काफ़ी बार ऐसा काम किए हैं, कुख्यात अपराधी हैं, तो उन पर हम लगाने के लिए फिर एक तरह से अभियान चलाएंगे। भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे की अध्यक्षता में श्रावणी मेला को लेकर अब तक की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में आयुक्त ने मेला क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कांवरिया पथ में 150 चापाकलों का संधारण और शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करने को लेकर जानकारी ली। बैठक में श्रावणी मेला के दौरान अजगैवीनाथ मंदिर और गंगा तट के अलावा पूरे कांवरिया पथ में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश आयुक्त ने अधिकारियों को दिया। इसके अलावा तमाम तरह की तैयारियों को समय पर पूरा कर लेने की बात आयुक्त दयानिधान पांडे ने कही। बैठक में भागलपुर के रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, बांका SP और आयुक्त के सचिव समेत कई विभागों के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। खगड़िया में लड़कियों की शराब पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शराब पीकर लड़कियां भोजपुरी गाने पर बंद कमरे में ठुमके लगाती दिख रही है। वायरल वीडियो में तीन लड़कियां घर में बैठकर फिल्मी अंदाज में बेफिक्र होकर शराब पीती दिख रही है, जहां उनके साथ कुछ लड़के भी बैठे हैं। बताया जा रहा है कि लड़कियों के इस पार्टी में एक युवक है, जिसके साथ वहां मौजूद लड़की का अफेयर है, जबकि उसके साथ ही उसके शादी की बात कही जा रही है। और इसको लेकर लड़कियों का कहना है कि पार्टी में लड़कों ने ही उन्हें शराब पिलाई और इसका वीडियो
वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सच्चाई जो भी हो, लेकिन वीडियो में एक लड़की फिल्मी अंदाज में एक पैक और बना देने की बात कहती साफ दिख रही है, जबकि दूसरी लड़की ने कहा कि यह शराब भी क्या खूब है जो गम मिटाती है और बुरे लोगों से दूर करती है। इसके बाद नशे में धुत लड़कियों ने भोजपुरी गाने पर जमकर ठुमका भी लगाया। उधर इस मामले को लेकर सुपौल की रहने वाली लड़कियों ने चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक निवासी अमित कुमार पर वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए आरोपी युवक के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जांच में ये ज्ञात हुआ कि महिला चित्रगुप्त नगर थाना के आसपास ही रहती है किराए के मकान में, और जब वहाँ तक पहुँचा गया तो महिला काजल कुमारी नाम की महिला के रूप में सामने आई, जिनका किसी अमित कुमार नाम के लड़के से अफेयर चल रहा था, शादी भी किए थी जैसा लड़की ने बताई, और उसी लड़के के द्वारा शराब लाकर दिए जाने पर शराब पीने की बात बताई गई थी, जो एक कमरे में बैठकर शराब पी रही थी, जिसमें उनके पति अमित कुमार शराब लाए थे। गिरफ्तारी किसी किसकी हुई है? गिरफ्तारी वायरल वीडियो के अनुसार बिहार सरकार द्वारा लागू मद्य निषेध कानून का उल्लंघन हुआ है, जिससे इस कानून का सम्मान करते हुए हम लोग मद्य निषेध के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किए हैं और महिला की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य अभियुक्त अमित कुमार की तलाश की। पीरपैंती विधानसभा के भाजपा विधायक ललन कुमार की आवाज़ पर बुधवार को झारखंड सरकार का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि रांची उच्च न्यायालय के आदेश के बाद की गई कार्रवाई में झारखंड पुलिस ने महरमा सीओ के नेतृत्व में अवैध निर्माण को जमीन दोस्त कर दिया। इसको लेकर महरमा सीओ सुनील कुमार ने बताया कि यह मामला अतिक्रमण से संबंधित है, जबकि विधायक ललन पासवान के आवास की मात्र 3 कट्ठा जमीन की ही बंदोबस्ती हुई है। उन्होंने कहा कि जमीन पर अवैध निर्माण है जिससे अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यवाही से पूर्व नोटिस भेजने के साथ सभी वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई, जबकि रांची हाई कोर्ट के जारी आदेश के आलोक में बुधवार को कार्रवाई की गई। साथ ही कहा कि जमीन के पीछे रहने वाले लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो, इसको देखते हुए विवादित हिस्से को बुलडोजर से जमीन दोस्त किया गया है। ये अतिक्रमण में उनका घर 3 कट्ठा बंदोबस्त हुआ है, बाकी शेष अतिक्रमण है। अतिक्रमण भूमि को हम अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं। रास्ता बीच में उनके द्वारा कोई रुकावट भी किया गया क्या? नहीं, अभी शांतिपूर्वक हम अतिक्रमण हटा रहे। नोटिस आया हुआ था? नोटिस भेज दिए। कितना दिन पहले से? नोटिस बहुत पहले भेज दिए हैं। जो प्रक्रिया है संवैधानिक को पूरा कर दिया। कहाँ से सर नोटिस आया था? झारखंड सरकार या बिहार सरकार? अंचल कार्यालय। अंचल कार्यालय। उसके द्वारा मांग कर रहा था कि हम बहुत दिन से इसको जोक के रखे हैं। हाँ, गैर मजरूबा जमीन है, हम बहुत दिन से जोक के रखे हैं, हमको 4 कट्ठा 6 कट्ठा 10 कट्ठा देना पड़ेगा। क्या जबरदस्ती? जबरदस्ती। तो आपने क्या बोला? हम बोले कि नहीं, कुछ एक धूर नहीं देंगे, हम लोग पैसा लगा के लिए हैं, गरीब आदमी हैं। बांका के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत बनगांव पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को सड़क दुर्घटना में NCC के एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के ओढ़हर गांव निवासी शंकर पंडित के पुत्र राजेश पंडित के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक NCC छात्र राजेश पंडित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचा था और बाद में घर जाने के क्रम में उसकी तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद घटना की जानकारी मृतक के परिजनों और पुलिस को दी गई। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक
के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंबे समय से भागलपुर के शमशान घाट पर चल रही घाट राजा की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने तैयारी कर ली है। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम के म्यूनिसिपल कमिश्नर योगेश कुमार सागर और सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने निगम के अधिकारियों और शमशान के घाट राजा के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अब घाट राजा शवों के अंतिम संस्कार करने शमशान पहुँचने वाले लोगों से मुखाग्नि और दाह संस्कार के नाम पर जबरन मनमानी पैसे की वसूली नहीं कर सकेंगे। दरअसल बैठक के दौरान भागलपुर नगर निगम प्रशासन ने हिंदू परंपरा के अनुसार शव को मुखाग्नि और दाह संस्कार के लिए एक निश्चित शुल्क तय कर दिया है। नगर आयुक्त ने कहा कि सामान्य वर्ग के परिवार को मुखाग्नि और दाह संस्कार के लिए डोम राजा को 1100 रुपये बतौर शुल्क देना होगा, जबकि बीपीएल परिवार के लोगों को इसके लिए 500 रुपये का शुल्क देना होगा। हालांकि निगम प्रशासन के इस निर्णय को सभी घाट राजा ने मानने से इनकार कर दिया और तय शुल्क को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से बाहर निकल गए। वहीं से पूर्व बैठक में नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार और सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने घाट राजाओं की समस्या सुनकर उसके समाधान और सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिलने का भरोसा दिया, लेकिन मुखाग्नि और दाह संस्कार के शुल्क पर सभी घाट राजा ने असहमति व्यक्त की। वहीं बैठक में चर्चा नगर आयुक्त ने घाट राजाओं से शुल्क को लेकर सुझाव मांगा, जिसमें शमशान घाट से आई महिलाओं ने शुल्क तय करने को लेकर विरोध जताया, जबकि घाट राजा की ओर से 5000 और 10000 का शुल्क तय करने की बात कही गई। लेकिन हंगामे को देखते ही नगर आयुक्त ने सख्त लहजे में किसी तरह से हंगामा नहीं करने के लिए चेतावनी दी। नगर आयुक्त योगेश सागर ने कहा कि यदि मृतक के परिजन स्वेच्छा से घाट राजा को तय शुल्क से अधिक पैसे देना चाहे तो इसमें नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी स्थिति में मृतक के परिजनों से दबाव बनाकर मनमाना शुल्क नहीं वसूला जा सकता है, क्योंकि यह गैर कानूनी होगा। वहीं घाट राजा का कहना है कि जब तक दूसरे स्थानों पर रेट तय नहीं होता है तब तक भागलपुर में भी मुखाग्नि या दाह संस्कार का शुल्क तय नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रशासन की मनमानी से उनके बच्चे और परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। मौके पर सिटी मैनेजर रवीश चंद्र वर्मा, अधिकारियों के अलावा काफी संख्या में घाट राजा और उनके परिवार की महिलाएं मौजूद रही। 63 लोग हैं, वो एक ही परिवार के ज्यादातर सदस्य हैं। किसी परिवार में 5 लोग हैं, किसी परिवार में 6 लोग हैं, तो उन्हीं परिवार में से कभी माता आती हैं, कभी पिता आते हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। लेकिन हम लोग उनकी समस्याओं को सुने। उनका दो चीज़ें मेन है कि एक तो वो साफ़ सफाई करने के लिए कुछ लोग रखते हैं, 4-5 लोग रखते हैं जो करता है, या फिर जो बाकी प्रक्रिया होती है कभी कभी शव को ले जाना या लकड़ी वगैरह का, तो उसके उनका सुना गया, उनके द्वारा 2100 रुपये का बात किया गया। हम लोग चूंकि जो है सरकारी रेट को उतना ज़्यादा नहीं भी रख सकते हैं और आसपास का जो दर चल रहा है उसका आकलन करते हुए हम लोग इस डिसीजन पे पहुँचे हैं कि दो तरीके का कैटेगरी रहेगा। सामान्य जाति के जो भी सामान्य वर्ग का रहेगा उसके लिए जो है 1100 रुपये फिक्स किया गया है इसका मुखाग्नि देने का जो शुल्क रहेगा, और जो BPL कार्डधारी रहेगा उसके लिए 500 रुपये का शुल्क देने के लिए हम लोग किए हैं। बाकी इन लोगों का अपना एक कंप्लेन है कि बहुत सारा लोग जो है गरीब है, तो इनका हम लोग एक सर्वे करवाएंगे और जो भी योजनाएं इनको सरकारी आवास से रिलेटेड, शौचालय, राशन कार्ड जिसका नहीं बना होगा, जहाँ जहाँ ये लोग वंचित हैं उसको भी हम लोग उनको जो है योजनाओं का लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर SDO धनंजय कुमार ने CO शंभु शरण राय, VDO मनोज कुमार मुर्मू खात, आपूर्ति पदाधिकारी संजीव कुमार के साथ मेला क्षेत्र के विक्रेताओं की संयुक्त बैठक की। बैठक में SDO धनंजय कुमार ने मूल्य तालिका को लेकर विचार विमर्श किया और अगली बैठक में मूल्य तालिका की सूची जारी करने की बात कही। इस दौरान SDO धनंजय कुमार ने बताया कि श्रावणी मेला को लेकर विक्रेताओं के साथ की गई बैठक में मूल्य तालिका को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिससे श्रावणी मेला के दौरान इसको लेकर कोई मनमानी या विवाद उत्पन्न नहीं हो। मौके पर संजय चौधरी, विकास कुमार कर्ण, गुड्डू कुमार, विजय कुमार सहित काफी संख्या में विक्रेता मौजूद थे। भागलपुर के संघोला माधोपुर बथानी स्थित मध्य उच्च विद्यालय डोबी के प्रधान शिक्षक नवीन कुमार मंडल के ऊपर ग्रामीणों ने धांधली का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जिला शिक्षा पदाधिकारी से की है। वह इसको लेकर बुधवार को भागलपुर के शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने आवेदन देकर शिक्षक नवीन कुमार मंडल पर मनमानी करते हुए स्कूल की जगह घर और खेती बाड़ी में समय बिताने की बात वरीय पदाधिकारी से कही, जिससे बच्चों का भविष्य और पठन पाठन प्रभावित हो
हो रहा है, जबकि एमडीएम समेत कई योजनाओं में धांधली करने का भी गंभीर आरोप लगाया। इसके अलावा बच्चों के साथ मारपीट करने और प्रमाण पत्र लेने के दौरान छात्रों से मनमानी और मोटी रकम वसूलने की भी बात ग्रामीणों ने कही। इधर बच्चों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर रोक लगाने की मांग करते हुए ग्रामीणों और बच्चों ने विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित करने की मांग आवेदन के माध्यम से जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी से की। मामला ये स्कूल का है, सनोला प्रखंड के माधोपुर बथौनी पंचायत के डोभी गांव के स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय डोभी, जो कि स्कूल में जो प्रधान शिक्षक नवीन कुमार मंडल है वो अवैध रूप से बच्चे से पैसा वसूल करता है, एडमिशन में पैसा अधिक लेता है, 700 किसी से एडमिशन में भी ले रहा है, जैसे आठवां से नौवां में एडमिशन करवाना रहता है तो 700 लेता है और प्रैक्टिकल में 300 करके स्टूडेंट से लेता है, बोलता है कि 300 रुपया लेंगे उसमें आपका भविष्य बनेगा, 300 करके लेता है प्रैक्टिकल में नंबर देने के लिए, जो कि फ्री में होता है, उस पर पैसा लेना नहीं चाहिए। वो प्लस खाना में तो पूरा कुछ सही से ढंग से कुछ खाना नहीं खिलाता है, कुछ भी जैसे होता है टाइम पे कुछ भी नहीं, वो नहीं तो टाइम पे वो स्कूल आते हैं और टाइम पे वो नहीं तो स्कूल से बन जाते हैं, जब मन होता है स्कूल के टाइम में वो अपने घर चला जाता है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में भिरखुद पंचायत के सरपंच उदित नारायण मंडल और ग्रामीणों द्वारा मध्य विद्यालय के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर आमरण अनशन किया गया, जिसके तीसरे दिन बुधवार को सदर एसडीओ धनंजय कुमार आमरण अनशन कर रहे हैं। सरपंच उदित नारायण मंडल और ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान एसडीओ ने उनकी समस्याओं को जाना और शिक्षकों के कार्यकलाप की जानकारी लेकर दोषी पर कार्रवाई या शिक्षकों का स्थानांतरण करने का भरोसा दिया। हालांकि आंशन पर बैठे लोगों ने बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गांव के शिक्षकों का मध्य विद्यालय भिरखुद से स्थानांतरण करने की मांग पर अड़े रहे। साथ ही कहा कि गांव के शिक्षक होने से स्कूलों में दादागिरी एवं मनमानी होती है, जिससे स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित होता है और खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। वहीं एसडीओ ने वीडियो मनोज कुमार एवं शिक्षा पदाधिकारी रेखा भारती को दोषी शिक्षकों की जाँच कर उचित कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश दिया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में दोस्त ने घर से बुलाकर दोस्त को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। श्रावणी मेला की तैयारी का प्रमंडलीय आयुक्त ने की समीक्षा, कहा समय से पूर्व पूरा करे कार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई। खगड़िया में लड़कियों के शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल, शराबबंदी कानून पर उठ रहे हैं सवाल। झारखंड सरकार ने भाजपा विधायक के आवास पर चलाया बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। और बांका में हुए सड़क हादसे में एनसीसी छात्र की हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।